उत्तर प्रदेश के आगरा में फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया है कि 15,000 करोड़ के कारोबारी लक्ष्य के साथ फेयर के 14वें संस्करण का आगाज हुआ था, लेकिन 20,000 करोड़ के कारोबार की नींव तैयार हुई है। हम काफ़ी गुणवत्ता पर कार्य कर रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें और भी सुधार करना होगा। आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने कहा है कि मीट एट आगरा से सबसे ज़्यादा घरेलू उपयोग को लाभ मिलता है। विभिन्न देशों की तकनीकी से उद्योगियों को और स्टाफ को रूबरू होने का अवसर मिलता है। जल्द ही घरेलू उत्पादकों द्वारा भी फेयर का आयोजन किया जाएगा। मीट एट आगरा के समापन समारोह में ही आगामी मीट की तारीख तय की गई, जो 20 से 22 अक्टूबर 2023 को होगा। भारी बारिश के बावजूद 3 दिन में जो यहाँ फुटबॉल देखा गया, 5,731 ऐसे बिजनेस मिनिस्टर से जिन्होंने यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया और कुछ ना कुछ यहाँ से कई महीनों में बहुत सक्सेसफुल फेयर ये था, इसमें मशीनरी के या सस्टेनेबल मटेरियल या ऐसे प्रोडक्ट जो अब तक हम इम्पोर्ट पर ही निर्भर करते थे, इतने तरह के कलर्स, इतने तरह के फिनिशेस, मेटालिक फिनिशेस, वेबटाइट प्रिंट फिनिशेस अभी तक जो मैंने भी नहीं देखी थी वो यहाँ देखने को मिली है। और ये मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपने जितने भी रॉ मटेरियल इस पर लगने वाले उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मशीनरी की दृष्टि से भी आगे फ्यूचरिस्टिक हमने डिटेल में अभी बताया कि कहाँ इसका कम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके हमको लेबर को भी एडजस्ट करना है और टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना है। हमारी यूएसपी यहाँ की लेबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनको जो हापी लेबर जो आज जूता इंडस्ट्री में काम कर रही है वो अपग्रेडेड इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसी तरह की फ्यूचरिस्टिक मशीन्स में यहाँ बहुत सारी जापानीज मशीन्स भी थी, कोरियन मशीन्स भी थी, ताइवानीज मशीन भी थी, चाइनीज मशीन्स भी थी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता होती है पर्यावरण की, सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बने, कैसे वेस्ट जो है जो जनरेट होती है उस वेस्ट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर मटीरियल जो बनने लगे हैं उसमें कम से कम 20-30% रिसाइकल्ड मटीरियल यूज़ किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जो हमारी एक वर्ल्ड मार्केट की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है कि आप वेस्ट जनरेट कितना करें और वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करें। महिला वर्करों की देखिए, महिला वर्करों की इस समय स्टिच रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो जितना स्टिच कर लेंगे उसका मोल्डिंग बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में प्रोसेस में टाइम नहीं लगता। और स्टिचिंग स्टिचर भी हमारी यहाँ की यूएसपी थी, लेकिन चूंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे इसमें नहीं बढ़ी है तो महिलाएं जिसने देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।